मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं पिछली 18 तारीख की बैठक में भी कि कोई नगर, कोई चहराया और कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जहां पर आवागमन को बाधित किया जाए या गंदगी फैलाई जाए। नगर निकायों से बैठक की गई है, जिला प्रशासन से बैठक की गई है, उसी का अब देखना पड़ रहा है, असर पूरा नजर आ रहा है जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी। लेकर चलूंगा तहसील जानसठ के अंदर IAS ऑफिसर जयंत कुमार मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल जो कि अधिशासी अधिकारी है नगर पंचायत के, वो भी जुड़ेंगे। चेयरमैन नगर पंचायत प्रवीण बड़ा वाला भी जुड़ेंगे। मकसद यही है कि जो मुख्यमंत्री जी का सपना है उस पर कितना कारगर होगा ये नगर, क्योंकि समस्या बहुत सामने आएगी, चाहे वो ठेली वालों की हो, फल विक्रेता की हो या दूसरे जो मामले हैं उसके मामले से भी। लेकिन आज बैठक की गई थी और बैठक में सभी ने सहयोग भी दिया है। आइए सीधा रुक कराएंगे सबसे पहले नगर जो IAS ऑफिसर जयंत कुमार जी है जो सर, स्वागत है आपका। खासतौर से आज बैठक भी की थी तो कितना कॉपरेशन नजर आया है आपको और क्या दिशा निर्देश दिए? हमको पूरा कॉपरेशन नजर आया है और चूंकि मामला लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है इसलिए लोगों से बातचीत करके उनको एक वैकल्पिक स्थान देकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कोई ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को सीधा हटा दें। हम लोग पहले ये चिन्हित कर रहे हैं उनको किस जगह पर हम लोग स्थापित करेंगे, उनको जगह देंगे, जगह देने के बाद फिर हम लोगों को वहाँ स्थापित कराएंगे और उसके बाद फिर जो लोग उसके बाद भी यदि समस्या क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग ढूंढेंगे कि उनकी रोजी रोटी किस तरीके से चलती रहे और लोगों का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, कि किसी जगह जाम लगने की संभावना ना रहे, किसी जगह ई रिक्शा जो एक झुंड बना के खड़े हो जाते हैं वो ना खड़े रहें। तो बसें हैं हालांकि बहुत 10-15 सेकंड के लिए रुकती हैं, यात्री उतारती हैं और एक दो जो मिलते हैं उनको चढ़ा के ले जाती हैं, उनके लिए भी जगह हम लोगों ने चिन्हित की हैं ताकि वो सड़क से थोड़ा उतर के अपना जो भी यात्रियों का आवागमन से संबंधित कार्य हम लोग करते रहें और जो आम जनमानस है उनके साधन हैं चारों रूप से मेन हाईवे में और जो जानसर की गलियाँ हैं उनमें चलते रहे। उसका व्यापक प्लान हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है, उसका फेज वाइज फेज हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि इसमें किसी व्यक्ति को भी परेशानी ना हो जो इन व्यवसाय से जुड़े हैं और आम जनमानस को भी राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत चेयरमैन प्रवीण बड़ाना भी इसमें जुड़ेंगे। नगर की समस्याएं बहुत आपके सामने भी आएगी क्योंकि जुड़े हुए हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर। तो ऐसे में क्या फल वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए क्या व्यवस्था कर दी गई है? देखिए हम लोगों ने कुछ व्यवस्था वैकल्पिक की है जिसमें हम लोग जो सब्जी वाले विक्रेता हैं और कुछ ऐसी व्यवस्था है तो उसके लिए हम लोगों ने उनको समुचित रूप से उनको समायोजित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आगे करेंगे ताकि जैसा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय साहब ने कहा कि जीविका के साथ साथ उनको वैकल्पिक की है जिसमें हम लोग जो सब्जी वाले विक्रेता हैं और कुछ ऐसी व्यवस्था है तो उसके लिए हम लोगों ने उनको समुचित रूप से उनको समायोजित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आगे करेंगे ताकि जैसा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय साहब ने कहा कि जीविका के साथ साथ उनको यहाँ पे जेल का भी ध्यान रखना है और उनके व्यापार पर भी ध्यान रखना है ताकि कितने दिन में चूँकि 18 तारीख हमारे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और हम तो अभी से लगे हुए हैं। अब जो भी जल्दी जैसे जैसे परिणाम निकले उसी रूप में आपको प्रतिफल दिखाई देगा। इसी दौरान खासतौर से नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी ये साहब बताइए, आपने खासतौर से पॉलीथीन की बात भी कही है, जुर्माना भी होगा, पॉलीथीन प्रतिबंधित कर दी गई है, इसके लिए क्या है? पॉलीथीन के बारे में बहुत पहले से एक तरह से वो प्रतिबंधित श्रेणी का आइटम है, इस पे हम लोग बीच बीच में रेगुलर अभियान चलाते रहे और प्लास्टिक मुक्त एक तरह से नगर जानसर को बनाने का प्रयास किया गया। अभी 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है उसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि साफ सफाई के लिए सबसे बड़ी बाधा जो है वो आपका प्लास्टिक है, जब भी हवा चलती है तो पूरा रूप खराब हो जाता है, पूरा बिखर जाता है, इस तरह का अनुभव उन्होंने शेयर किया है। तो वो अनुभव मैंने आज नगर पंचायत के जितने हमारे सम्मानित व्यापारीगण हैं, स्टेक होल्डर्स, अन्य लोग हैं, तो उनको भी उनके संदेश से मैंने सीधे जोड़ने का प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश वो खुद भी सुन लें। तो सारे लोगों ने सुना और सबने एक तरह से ये प्रयास भी किया है कि हम आपके इस प्लास्टिक मुक्त अभियान में आपके साथ हैं, चरणबद्ध तरीके से आप इसको लागू करिए और शीघ्र ही मैं पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त इसको कर दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी उद्देश्य है उसके साथ हम कदम से कदम मिला के आपके साथ स्थान देखिए चिन्हीकरण तो हम लोगों ने पहले से भी किया था और पुनः अब एक बार उसका रिव्यू कर लिए हैं और स्टेप बाय स्टेप फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता और सब्जी के अलावा जो अन्य प्लास्टिक आइटम या कपड़े वगैरह बेचते हैं तो सबको एक तरह से धीरे धीरे शिफ्टिंग की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो सारे संभावित स्थलों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं
और यातायात व्यवस्था के लिए बस की व्यवस्था, थ्री व्हीलर जो ई रिक्शा चलती है उनके लिए स्थान और उनके लिए रूट, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आम सहमति से हम लोग उसको करेंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, आपने देखा, खास तौर से नगर पंचायत के सभागार के अंदर जो बैठक हुई थी, यहाँ पर सब्जी विक्रेता भी थे, रिक्शा चालक भी थे और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद थे। आईएएस ऑफिसर जयेंद्र कुमार ने अध्यक्षता की थी, जॉइंट मजिस्ट्रेट जानता है, और वहाँ साफ यही कहा गया था क्योंकि नगर को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ रखना है, प्रत्येक व्यक्ति को आवागमन सुगम हो, इस बाबत भी तैयारी की जाए और सहयोग लिया जाए। तो यहाँ पर सहयोग मिला है। ऐसा बने रहेगा मेरे साथ आरिफ मेरी चीफ एडिटर बार और बैंक न्यूज इन टूडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। और इससे पहले मैं लेकर चलूंगा नगर पंचायत सभागार जानसठ के अंदर, नगर पंचायत सभागार के अंदर भी आज बैठक का आयोजन हुआ था। आईएएस ऑफिसर जयंत कुमार जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो फरमान भी संबंधित उपस्थित यहां पर गणमान्यों को सुनाया, डिस्प्ले पर दिखाया गया, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह रहे हैं कि किसी भी रूप में आवागमन को बाधित नहीं होने दिया जाएगा, अवैध पार्किंग नहीं होने दी जाएगी, सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी रूप में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा आपसी सामंजस्य बनाया जाए, नगर निगम की, नगर पंचायत की तथा स्थानीय नगर निकायों की ये दायित्व रहेगा कि वो सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराएं, इसके साथ साथ अवैध पार्किंग को हटाए, अतिक्रमण को हटाए, सड़क किनारे कोई भी वाहन नहीं खड़ा किया जाएगा। ऐसे सख्त दिशा निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दे दिए गए थे 18 तारीख की बैठक में ही, और आज उनको दिखाया भी गया। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जिस वक्त ये बैठक चल रही थी तो वहां पर नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले जो गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे सब्जी विक्रेता हो, चाहे फल विक्रेता हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे पॉलिथीन विक्रेता हो या उद्योग बंधु हो, जनप्रतिनिधि सभी को उन्होंने बुलाया, बताया, कहा, सहयोग मांगा कि हर हाल में पालन किया जाएगा जो शासन प्रशासन की मंशा है, और इसका सहयोग का आश्वासन भी उपस्थित जन समूह द्वारा दिया गया है। लेकिन बात वहां पर यही बनती है कि क्या कितना कारगर साबित होगा ये फरमान, क्योंकि वजह यही बनती है कि फल विक्रेताओं के लिए क्या उचित स्थान मिलेगा, क्या सब्जी विक्रेताओं के लिए उचित स्थान मिलेगा, क्या फिर से डग्गा मारी को बढ़ावा तो नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच एक बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने रोड एक्सीडेंट से आम जन को बचाने के लिए, गंदगी को दूर भगाने के लिए तथा आवागमन को सुगम बनाने के लिए जो अपनी नीति बनाई है वो सराहनीय है, लेकिन इसकी आड़ में किसी का उत्पीड़न ना हो ये भी बेहद जरूरत है। हम आपको लेकर चलते हैं क्या आज डिस्प्ले पर दिखाया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या कहा गया था, सुने पहले उन्हीं की जबानी, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में सड़कों पर भी गंदगी नहीं फैलाई जाएगी। सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं, हम सुनिश्चित करें कि वे सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं, और आवश्यकता पड़ती तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं, उनके द्वारा उन पर निश्चित एक समय सीमा के अंदर उन्होंने उन्हें वैक्सीनेट किया है कि नहीं किया ये भी सुनिश्चित करवाना, ये सभी चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। कार्यक्रम को केवल परिवहन विभाग का कार्यक्रम नहीं है, हमने इसके गृह विभाग को इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। गृह विभाग पीए सिस्टम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ठीक करेगा, ट्रैफिक पुलिस के साथ ही हमारे यहाँ अगर कोई अवैध रूप से वाहन सड़क के किनारे खड़ा कर रहा है, किया है, वहां पे क्रेन जाकर के उस वाहन को सीज करने, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग सेविंग उसमें आगे कार्रवाई आगे बढ़ेंगे। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने भी गाजियाबाद में बहुत घटना देखी होगी जिसमें स्कूली बस से एक बच्चे का सिर बाहर होने के बाद 11 वर्ष के उस बच्चे की दुखद मृत्यु होती है। दुखद मृत्यु के बाद जब बस का फिटनेस के कागज मांगेगा तो उसकी फिटनेस ही नहीं है। परिवहन विभाग की पहले प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि हर एक बसेज का स्कूल कॉलेजेस खुलने के पहले हम सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित हो। लापरवाही भी उसमें जवाबदेही भी तय की गई।
परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रकार के बसेज का, ये स्कूली बसेज हो, प्राइवेट में कॉन्टेक्ट कैरिज में चलने वाली बसेज हो, या फिर परिवहन विभाग के साथ संबद्ध बसेज हो, या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, विद्यालय के प्रिंसिपल होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, प्राचार्य होंगे, वे सभी अपने अपने विद्यालयों में ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों में, अब एक हम लोग हैंडबिल हर जनपद में सूचना विभाग की तरफ से भेज रहे हैं, इस हैंडबिल का प्रकाशन, हर एक बच्चे के पास ये हैंडबिल पहुंच जाए, कॉमन मैन के पास भी पहुंचे, चौराहे पर जहां पर हमारे पब्लिकेटर सिस्टम हो वहां पर भी ये पहुंचे। और हम आपको बता दें कि आज जो नगर पंचायत जानसठ के अंदर बैठक हुई थी उसका असर ये दिखा कि स्वयं आज दुकानदारों ने सहयोग किया है। मुख्य मार्ग की तरफ हम ले जाते हैं जो नवागत कोतवाल जानसठ हैं विश्वजीत, इसके साथ साथ ईओ विनोद कुमार शुक्ल आज अपनी टीम के साथ नगर के मुख्य मार्ग पर पहुंचे और काला गेट से लेकर अस्पताल तक वो पहुंचे हैं और उन्होंने एक निशानदेही कर दी है। अब नाले की पटरी के बाद कोई भी सामान नहीं लगाया जाएगा, सड़क को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा और उन्होंने साफ इसकी हिदायत दे दी है। इसका पालन दुकानदारों ने भी किया है, दुकानदारों ने भी इसको मान लिया है क्योंकि अब जो निशानदेही की गई है इस निशानदेही के बाद कोई भी आगे अपना सामान नहीं लगाएगा और किसी रूप में भी मार्ग भी बाधित नहीं हो पाएगा। देख सकते तस्वीरें, नगर के मुख्य मार्ग की व्यवस्था हो चुकी है। अब पानीपत खटीमा मार्ग पर भी निर्देश दे दिए गए हैं और जो मुख्य मार्ग है डग्गा मार्ग वहां पर बसें भी नहीं खड़ी की जाएगी। बहरहाल देख सकते हैं तस्वीरें, पब्लिक ने भी इसका सराहा है और माना है। अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार शुक्ला और कोतवाल विश्वजीत ने भी साफ कहा है कि वह शासन प्रशासन के नियमों का अवश्य पालन करें। सभागार के अंदर जो बैठक हुई थी यहाँ पर सब्जी विक्रेता भी थे, रिक्शा चालक भी थे और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद थे। आईएएस ऑफिसर जयेंद्र कुमार ने अध्यक्षता की थी जॉइंट मजिस्ट्रेट जानसठ है और वहाँ साफ यही कहा गया था क्योंकि नगर को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ रखना है, प्रत्येक व्यक्ति को आवागमन सुगम हो, इस बाबत भी तैयारी की जाए और सहयोग लिया जाए, तो यहाँ पर सहयोग मिला है ऐसा दावा किया जा रहा है। बहरहाल मैं आपको उन लोगों से भी बात कराऊंगा जिनकी कोई समस्या होगी, लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा सोच, बहुत बड़ी कदम यहाँ पर उठाई गई है, लिया गया है निर्णय क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस चीज को, उस जो बड़ा अहम मुद्दा था उसको उन्होंने उठाया है, अपने बिंदु में उठाया है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट सबसे बड़ी समस्या बनती है। नगर पंचायत के अंदर यदि चौराहों पर भीड़ नहीं होगी और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ से बचा जाएगा, वहां अवैध पार्किंग नहीं होगी तो निसंदेह चीजों पर ठहराव होगा क्योंकि अवैध गतिविधियों की कमर तोड़ने का बात भी कही है। बहरा बने रहेगा मेरे साथ आशीष मेरी, चीफ एडिटर बार और बैंक, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।